ह्यूस्टन में हाउडी मोदी में नाम लिए बिना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पाकिस्तान पर हमला, कहा जिनसे देश नहीं संभलता उन्हें 370 से दिक्कत, डोनाल्ड ट्रंप बोले भारत और अमेरिका कट्टरपंथी इस्लाम से एकजुट होकर लड़ेंगे। हाउडी मोदी के मंच से प्रधानमंत्री मोदी ने अब की बार ट्रंप सरकार का नारा दिया, कांग्रेस नेता आनंद शर्मा बोले मोदी ने ट्रंप का चुनाव प्रचार किया, ये विदेश नीति का उल्लंघन। हाउडी मोदी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध, भारतीय मूल के लोग पोस्टर्स और बैनर्स लेकर सड़क पर उतरे। झारखंड में फिर मॉब लिंचिंग, खूंटी जिले में गौहत्या के आरोप में भीड़ ने एक की जान ली, दो गंभीर रूप से घायल। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के बावजूद देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार सातवें दिन बढ़ोतरी, दिल्ली में पेट्रोल 29 पैसे और डीजल 19 पैसे महंगा हुआ। आईएनएक्स मीडिया केस में पी चिदंबरम की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई आज, सुनवाई से पहले सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने तिहाड़ जेल जाकर चिदंबरम से मुलाकात की। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने तैयारियां शुरू की, 22 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी। शेयर बाजार में तेजी, सेंसेक्स 700 और निफ्टी 200 पॉइंट्स ऊपर। और आखिरी T20 में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 9 विकेट से हराया, 3 मैच की सीरीज 1-1 से बराबर।